शादी से पहले लड़कियों के स्तन से दूध आना, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शादी से पहले कोई लड़की के स्तन से दूध आता है तो वो बहुत डिस्टर्बिंग होता है लोगों को। वैसे ही यदि उसकी MC जो है वो बंद हो गई है या MC बंद होने में है या फिर मतलब उसका बाकी जैसा बच्चा बड़ा हो गया है और अभी ब्रेस्ट मिल्क आने का कोई कारण नहीं है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं है, और उस समय यदि स्तन से दूध आता है तो लड़की के लिए और वैसे ही सभी रिलेटिव्स के लिए बहुत डिस्टर्बिंग होता है कि बोल रहे क्या हो गया। स्पेशली वो क्या होता है कि वो जब मतलब शादी होने की है और दूध आ रहा है तो लोगों को बहुत तकलीफ देह होता है और बहुत ही टेंशन वाला कार्यक्रम हो जाता है। यदि ऐसा ब्रेस्ट मिल्क यदि आता है तो उसका कारण क्या हम समझ लेंगे पहले, मतलब ब्रेस्ट मिल्क तैयार कैसे होता है। इसमें क्या है कि दो हार्मोन्स है, एक है प्रोलैक्टिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। अब प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो जो सिक्रीशन होता है प्रोलैक्टिन का, तो वो स्तन में जो सेल्स रहते हैं, जीविका मतलब कोष रहते हैं, सेल्स रहते हैं, उसको मिल्क बनाने में स्टिमुलेट करते हैं। प्रोलैक्टिन वो स्टिमुलेट करता है सेल्स को, और ऑक्सीटोसिन जो है उसको वो ऐसा पंपिंग जैसे मतलब दबा के बाहर निकालने में मदद करता है, मतलब तैयार दूध बाहर निकलेगा, ऐसा दोनों का काम है। अब प्रोलैक्टिन का यदि ज़्यादा स्त्राव हो गया, उसकी लेवल ज़्यादा हो गई प्रोलैक्टिन की, तो दूध निकलेगा। जैसा बच्चा होता है, डिलीवरी होती है, उसके बाद में दूध आता है, स्तनपान करती है स्त्री, तो उसमें तो नॉर्मली है क्योंकि वहाँ उस समय प्रोलैक्टिन की लेवल बहुत ज़्यादा होती है और उस समय वो दूध निकलता है। मगर अभी बच्चा भी नहीं है, बच्चा बड़े हो गए हैं या शादी होने की है, और तब क्यों, तो फिर हमको देखने पड़ेंगे कि इसका कारण क्या है। एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस, कारण नंबर एक हार्मोन्स का इम्बैलेंस है जिसके वजह से प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, नंबर एक। नंबर दो, थायराइड ग्लैंड रहती है यहाँ गले में, तो उसका हाइपर सिक्रीशन हो रहा है या अंडर सिक्रीशन हो रहा है, उससे हो सकता है। तीसरा जो है वो है एंटी डिप्रेशंस की दवाइयाँ, डिप्रेशन के लिए दवाएँ देते हैं, उससे हो सकता है। ज़्यादातर एंटी साइकोटिक दवाई और जो रेस्पिरिडॉन करके उससे ज़्यादा होता है, एंटी साइकोटिक्स रेस्पिरिडॉन दवाई उससे ज़्यादा होता है। एसिड कम करने की दवाइयाँ जो होती है वो भी एक कारण हो सकता है। किडनी के प्रॉब्लम, लीवर के प्रॉब्लम, स्तन में गांठ आना, ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से ये ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है और वहाँ से स्तन में दूध आता है। अभी जब ऐसा होता है तो इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, लाइटली लेना नहीं है। हाँ, दवाई चालू है, एंटी साइकोटिक एंटी डिप्रेशन चालू है, तो कोई ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, दवाई बदल दो, दवाई बदलने से भी फायदा हो जाता है। और नहीं तो फिर बाकी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि भाई और कौन सी बीमारी है, हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों, तो वो ढूंढना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और वहाँ से फिर उसका इलाज करना पड़ेगा। यदि दवाई चालू नहीं है एंटी डिप्रेशन एंटी साइकोटिक, तो फिर स्तन से दूध आना शादी के पहले उसको लाइटली मत लो, हल्के से नहीं लेना है, सीरियसली लेना है और उसका इन्वेस्टिगेशन करके उसका इलाज करना होगा। थैंक यू वेरी मच।